धार्मिक स्थलों को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अब उत्तर प्रदेश की तरह एक्टिव मोड में आने लगी है। पिछले दिनों ध्वनि प्रदूषण के मामले में 258 स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे। साथ ही उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मजारों की जांच को लेकर भी खलबली मची हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी जांच आखिर क्यों की जा रही है, जबकि कई मठ मंदिर और आश्रम भी इसी तरह से बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजारों की जांच होगी तो दूसरे धार्मिक स्थलों की भी जांच की मांग होनी चाहिए। प्रदेश में माहौल इससे खराब हो रहा है। नहीं, मैं इसको अवैध नहीं कह रहा। जैसे हमारी परंपराएं भी तो हैं, केवल कानून नहीं है इस देश में। आपने देखा पहले से ही अनेकों ऋषि मुनि जंगलों में रहे और जहाँ रहे वहीं कुटिया बनाई, वहीं आश्रम हो गया, वहीं अनुयायियों ने जाना शुरू किया, प्रणाम करना शुरू किया, आशीर्वाद लेना शुरू किया। और वो आश्रमों को 100 साल 150 साल 50 साल तक हो चुके हैं। आज क्या उनको चैलेंज दिया जा सकता है? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो मज़ार है, चाहे कोई गुरुद्वारा है, चाहे कोई हमारा मंदिर है, उन सब के लिए बहुत शांति से सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है।